देखिए दोस्तों, जहां तक एग्जाम डेट की सवाल है तो वो 100% आगे बढ़ चुकी है, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ, आपको अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो आप उन लोगों के पास जाइए जो लोग आपको पता होगा पिछली 26 तारीख से 5 तारीख तक जो हमने संघर्ष छेड़ा था, यूट्यूब पर हमारे चैनल ने छेड़ा था, आपको पता होगा ना, तब कुछ यूट्यूबर हमारे इस चैनल के खिलाफ या फिर हमारे कोई दो चार भाई और थे जो आपके लिए न्यूज़ ला रहे थे, आपको बोल रहे थे कि भाई आप धरने पर चलो चलो, ठीक है ना, उनके खिलाफ भड़का रहे थे। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो मतलब कि ये बोल रहे थे कि वो तो आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जबकि दोस्तों हमारी कोई मंशा नहीं थी, हमें कोई व्यक्तिगत कोई खुद का कोई ऐसा पर्सनली कोई फायदा नहीं था, फिर भी हम लोगों ने आपके लिए यूट्यूब पर एक जो हिम्मत दिखाई थी, आपके आपको पता होगा किसी भी जगह आप जाके देख लीजिए चैनल पर, आपको कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देगा, किसी ने विरोध नहीं किया होगा, आप देख लेना, हमारे चैनल ने साफ तौर से शुरू कर दिया था, 26 तारीख से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, फिर भी कुछ 26 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कुछ लोग अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको लग गया था कि उनका व्यूज आना कम हो गया, उनके पैसे कम हो गए, सब कुछ कम हो गया, इसलिए वो लोगों को बोल देते हैं कि हमारे इतने व्यूज थे अब इतने हो गए, ये वो आप हमें देखो, उनके वो फालतू के आपको भ्रमित कर रहे हैं, आप उनको मत देखो। और वहां पे मैंने एक चीज और देखी, आपके कमेंट पढ़े तो आप लोगों ने कमेंट भी उनके फेवर में किए, क्यों भाई, हमने आपके लिए संघर्ष छेड़ा, अब आपको पता है कि एग्जाम डेट खिसकवानी थी, सबको फायदा है, चाहे वो जिस जिसकी तैयारी थी उसको भी फायदा है, जिसकी तैयारी नहीं थी उनको भी फायदा है, फिर भी दोस्तों एक चीज बोल देता हूँ, जो सत्य है ना उसके साथ खड़े रहिए, और आपको पता होगा जो सत्य है ना उसी की जीत होती है हमेशा, और हमारी जीत हुई थी आपको पता होगा संघर्ष में। और उन लोगों ने यह कहा था कि एग्जाम डेट तो 15 तारीख को ही होगी, जो थंबनेल पे लिखते कुछ और है और अंदर कुछ और दिखाते, हमारा ऐसा काम नहीं है दोस्तों, हम 100% सही न्यूज होती है ना वही देते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है 100% तो ही यहां पर रुकें, ठीक है ना, बाकी देखिए, अन्यथा दोस्तों आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप समझदार हो। बाकी एक चीज़ बोलूँगा, देखिए एग्ज़ाम डेट है वो आगे खिसक चुकी है, ठीक है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो आगे चली गई है, अब कब है क्या है वो आरपीएससी की साइट पर जैसे ही अपलोड करेंगे हम आपको बता देंगे। जहाँ तक अपना एक दूसरा मेरा अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि नेक्स्ट अपना टेस्ट आपको बता देता हूँ, शाम को 7:15 पर तैयार रहना, 7:15 पर तैयार रहना, ठीक है ना, प्रीमियर हम वीडियो अपलोड कर देते हैं जो आपको 7:15 पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, उसके अंदर आप लाइव अपने जवाब दे सकते हो, ठीक है ना, हालांकि हम लाइव हो या ना हो लेकिन आप अपने जवाब है लाइव दे सकते हो, तो 7:15 पर तैयार रहना। हमारा प्रज्ञा पर्वा का श्याम नारायण पांडे जी की एक पद्य रचना है जिसका नाम है मेवाड़ का सिंहासन, उसके प्रश्न है जो मैं आपको लेके आयो, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक बार उन लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो भ्रमित हो रखे थे, उन लोगों के कारण जो हमारे खिलाफ आपको भड़का रहे थे बिना फालतू का। हम देखिए, हम लोगों ने आपके लिए संघर्ष किया था और उसमें हमारी जीत हुई है, ठीक है ना। तो ये देखिए, प्रेस नोट की बात है ना, तो वो प्रेस नोट अब आने वाला है, ठीक है ना, जल्दी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम अब है जो 15 तारीख को नहीं है, ये फिक्स है, फाइनल है, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, थैंक यू।